समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हंसली चौहान। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हैवानियत की वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जो इंसानियत को शर्मसार करती नजर आएगी। इन तस्वीरों को देखकर किसी का भी दिल दहल सकता है, लेकिन हैवानियत की सजी मंडी में किसी का भी दिल नहीं दहला। मुजफ्फरपुर की इस बस्ती में हैवानियत की मंडी सजी है। सड़क पर गिरे महिला और पुरुष भेड़ियों की तरह नोचते दर्जन भर हैवान और पचासों तमाशबीनों की भीड़। डंडों से इन दोनों को बेतहाशा पीटा जा रहा है। आदमी की हालत अधमरों जैसी हो चुकी है। लगातार पड़ते डंडों की चोट पर भी वो ना तो बचने की कोशिश कर रहा है ना हिल रहा है, जैसे सांसें बस उखड़ने वाली हो। उधर औरत को भी लगातार पीटा जा रहा है, लेकिन उसमें अभी जान बाकी है। वो चीख रही है, चिल्ला रही है और बचने की कोशिश कर रही है, और बीच बीच में दौड़कर उस आदमी को भी बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जल्लादों के जोर के आगे उसकी हर कोशिश बेकार है। हैवानियत के इस खेल में महिलाएं भी बराबरी से शामिल हैं। लाश बन चुके इस आदमी की छाती पर एक महिला जोर जोर से लात मारती है तो दूसरी घसीटने की कोशिश कर रही है। दरिंदगी के इस तमाशे को देखने के लिए पूरा गांव वहां पर जमा है, लेकिन किसी को इन दोनों बेबसों पर तरस नहीं आ रहा। उल्टा कई लोग तो हैवानों की हौसला अफजाई करते नजर आ रहे हैं, तो कुछ लोग पाप की इस नदी में डुबकी लगाने का मौका नहीं छोड़ रहे। और जब भी ये मामला संज्ञान में आता है तो बड़ी कार्रवाई होती है, और इस कार्रवाई अच्छी हो इसकी मॉनिटरिंग भी होती है। तो निश्चित रूप से ये बात जो बता रहे हैं FIR में तब्दील होगा और कार्रवाई। दरअसल मामला अवैध संबंधों का है। गांव के दबंगों ने एक महिला व पुरुष पर बदचलनी का आरोप लगाकर तालिबानी फैसला सुना दिया। महिला को घर से दबोच लिया गया, पुरुष नहीं मिला तो उसके भाई और मां को घसीट कर बाहर लाया गया और शरेआम बेरहमी से पिटाई की गई। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी एक्शन में आई और दावा कर रही है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल उठता है कि एक सभ्य समाज में कानून को ताक पर रखकर हैवानियत पर उतारू लोगों के जहन में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है।